जयेंद्र दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं सिंगरौली लाइव। अभी मौजूद है मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के गजराज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड गेट के बाहर दुधीचुआ प्रोजेक्ट में। यहां पर मजदूरों ने अपनी मांग के लिए स्ट्राइक किया हुआ है, तो आइए हम मजदूरों के लीडर से ही बात करते हैं, इनसे ही जानते हैं कि आपकी क्या क्या मांगे हैं। हमारी मांगे ये है कि हमारा 13-6 को एरिया मिला गया, अंचल द्वारा मिला गया, जो कि आज तक अभी इन्होंने बांटा नहीं, उचित समय देते गए, आज तक उन्होंने बांटा नहीं, बोले ठीक है अभी समय दे के अपना मरतब वो मतलब नहीं वो हो गए, अपने बात से पीछे हट गए। और जो हमारा ये जो 25-30 दिन ड्यूटी कराई जाती है उसमें से 2-4 हाजिरी काट दी जाती है, 6 हाजिरी काट दी जाती है, उसमें उनको 20 दिन की हाजिरी पर पेमेंट मिलता है। और ओमलोरी का पेमेंट हो चुका है, अभी तक 2 महीने से हमारी सैलरी भी नहीं हो पाई है। 2 महीने से आपकी सैलरी जी? कितने मजदूर हैं यहाँ पर लगभग? यहाँ 400 मजदूर हैं। 400 मजदूरों ने स्ट्राइक किया हुआ जी? अच्छा, कब से किया है आप लोगों ने ये स्ट्राइक? ये हम सुबह 4:30 बजे से किए, सुबह 4:30 बजे से। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपकी आगे की क्या आगे में योजना? हम लोग कोयला ऑफिस भी जाम कर देंगे। हाँ, हमारा कोयला ऑफिस हम पूरा जाम कर देंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम ये अपना स्ट्राइक नहीं तोड़ेंगे, अपना स्ट्राइक बनाए रखेंगे जी। इनको भी जाम करेंगे कोयला ऑफिस, बता दीजिए आप क्या कहना चाहते हो? बोलो सर। अगर हम लोग की स्ट्राइक अगर मालिक तक नहीं बात पहुँच पाती, अगर मालिक सामने आकर नहीं बात करते हैं, तो अगला हम लोग का कार्यक्रम रहेगा कि एनसीएल की कोल फेस जाम करेंगे। अगर उसके बाद कार्रवाई नहीं होती, किसी भी वर्कर की मौत हो जाती है, तो कौन? गजराज माइनिंग के स्वयं जिम्मेदार मालिक होंगे, एनसीएल जिम्मेदार होगा इसका, इसके अलावा कोई नहीं जिम्मेदार होगा। और कुछ भाई को बोलना? बोलिए बोलिए। और किसी को कुछ कहना है? वर्करों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, और 30 दिन का ड्यूटी करा के 10-10 दिन हर महीने काटा जाता है। CMPF कट रहा है 18%, जो कि उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिख रहा है, और 4,500 से 5,000 काटा जा रहा है हर महीने, और 10 साल से कोई PF जमा नहीं है। तो आपके अधिकारी या कोई भी संबंधित अधिकारी आपसे मिलने जुलने के लिए आया, आपसे कुछ बातें हुई? बात नहीं हुई हमारी कोई बात नहीं हुई इनसे, अधिकारी से अभी तक कोई बात नहीं, कोई नहीं बात करने लिए आया, कोई आया ही नहीं है, कोई आया नहीं, हम सुबह बैठे हुए। 2 महीने का पेमेंट भी नहीं हुआ है, और बोलते हैं पेमेंट देने में असमर्थ हैं, हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे, हमारी कंपनी का लॉस में चल रही है, हमारा 15,000 मिलता है, हम क्या करें? कुछ कहने बोलने पर आदमी को निकाल दिया जाता है, अभद्रपूर्ण होती है, जो कि हमको बोलते हैं कि सिंगरौली में नौकरी नहीं करने देंगे हम लोग को। सर ये सब चीज़ें क्या कहता है, हम लोग बरकर 2 महीने क्या करें? कम से कम 2 महीना हो गया है, इसके तो लिए कोई प्रशासन भी कोई शासन भी तो आए, कोई सुने, कोई तो आए हम लोग को सुने। हम लोग की सर आर पार की लड़ाई है इस बार। फिलहाल जिस प्रकार से मजदूरों ने अपनी बातों को रखा है, जिस प्रकार से मजदूर अपनी बातों को अपनी सैलरी और अपने एरियर और अभद्रता का जैसी बात ये रख रहे हैं, और फिलहाल ये जांच का विषय है, और ये इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर ये इनकी मांगें पूरी नहीं होती है तो ये इसे और भी आगे तक लेकर जाएंगे। फिलहाल जयंत वर्मा के साथ मैं दिनेश कुमार, सिंगरौली लाइव, शहर।